बस का चेचिस वाला वीडियो लाइए, और ये काफी लंबी है, काफी बड़ी सी दिख रही है। और इस व्हीकल की अगर लंबाई की बात करें तो फ्रेंड, और यहाँ सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो फ्रेंड सस्ते हैं, एलईडी में सारे लाइट्स दिए गए हैं। बनने के बाद कभी काफी तगड़ा होने वाला है, सेफ्टी के तौर पर काफी सही होता है। वारंटी की बात करें तो वारंटी आप, और इस व्हीकल की प्राइस की बात करें तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग, आशा करते हो अच्छे होंगे। मैं हूं सोनू और स्वागत है मेरे चैनल डायग्नोस्टिक ट्रक में। और आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं टाटा का LPO 1622, और बहुत जने कमेंट कर रहे थे कि टाटा का बस वाला चीज़ पे आप लेके आइए वीडियो, मैं नहीं ला पा रहा था कुछ कारण से, और आज फाइनली लेके आ गया हूँ। और एक संदीप भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे, 10-15 कमेंट वो कर चुके हैं, हर वीडियो में करते थे कि बस का चेचिस वाला वीडियो लाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ मिडिल में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ग्रिल मिल जाएंगे रेडिएटर के, बम्पर कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पे आपको हेडलाइट राउंड शेप में देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिल जाता है हैलोजन में। और हॉर्न की बात करें तो हॉर्न आपको इसमें दो मिलते हैं, डुअल हॉर्न के साथ में ये व्हीकल आती है। और इस साइड में देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक स्पेस मिलता है, यहाँ पे आप अपना AC वाला कंप्रेसर लगा सकते हैं, और उसका बेल्ट यहाँ पे आप फिट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ऐसा इसका फ्रंट व्यू देखने को मिल जाता है आपको, और यहाँ पे टोचन के लिए मिल जाते हैं पिन, और यहाँ पे एक स्पेस भी मिलता है, आप AC वाला जो कॉइल है वो यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। और चलिए इसका साइड प्रोफाइल दिखाते हैं फ्रेंड, साइड प्रोफाइल में क्या कुछ देखने को मिलता है। और फ्रेंड देख सकते हैं इसका साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे आपको एयर फिल्टर का मिल जाता है बॉक्स, और इस एयर फिल्टर को क्लीन नहीं करें, टाइम टू टाइम चेंज करें, जिससे कि आपकी व्हीकल अच्छा माइलेज देगी और अच्छा पिकअप देगी, लॉन्ग टाइम आपका इंजन में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कुछ ऐसा आपको फुटस्टेप मिल जाता है, इसको तो आपको बॉडी बनाने टाइम में सारा चेंज हो जाएगा, इसका व्यू तो कुछ अलग ही आता है चेसिस पे बॉडी बनाने के बाद। और टायर की बात करें तो फिर टायर आपको इसमें ट्यूबलेस मिलता है, ट्यूबलेस प्लस रेडियल, और इसकी अगर साइज़ की बात करें 295/80R की देखने को मिल जाती है। और व्हील रिम देख सकते हैं सिल्वर फिनिश में दिया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर दिखता है बॉडी बनाने के टाइम में, और अभी भी सुंदर ही दिख रहा है। और देख सकते हैं डेफ टैंक 60 लीटर के साथ में मिलता है आपको, और ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी हुई है। और इस व्हीकल में या किसी भी टाटा के व्हीकल में या अदर कंपनी के व्हीकल में आप बाहर का डेप यूज़ ना करें, कंपनी जो रिकमेंड करती है वही डेप यूज़ करें, जिससे कि आपकी व्हीकल लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के साथ में चले और कोई तरह का SCR सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आए। और यहाँ पर आपका कुछ मोटर वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हैं SCR और डेप से रिलेटेड। और देख सकते हैं यहाँ पर डीजल फिल्टर थोड़ा सा साइज छोटा कर दिया गया है, अंदर का पता नहीं है फ्रेंड, बट इसका जो नीचे वाला हाउसिंग है वो छोटा कर दिया गया है, और ऊपर में आपको बड़ा सा मिलता है आपको इसका क्या बोलते हैं फिल्टर हेड। और यहाँ पे देख सकते हैं डीजल टैंक आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी हुई मिलती है, और ये काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी सी दिख रही है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 400 लीटर के साथ में आती है। और इस व्हीकल में आपको फ्लीटेज का सपोर्ट मिलता है, उसका सेंसर वगैरह कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, जिससे कि आपका व्हीकल में क्या डीजल है, क्या यूरिया है, आपकी व्हीकल कितनी स्पीड में कितनी दूरी तय कर रही है, सारा कुछ आपको मतलब फ़ोन पे ही देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, जो कि अपने कस्टमर्स को अपने व्हीकल से कनेक्ट रखती है। ऑनर्स लोगों के लिए काफ़ी सही चीज़ है, इस चीज़ को यूज़ ज़रूर करें अगर व्हीकल को परचेज़ करते हैं तो। और इस व्हीकल की अगर लंबाई की बात करें तो फ्रेंड 39 फीट के लमसम में आती है, 38.92 फीट, मतलब 39 फीट ही आप रखिए, 39 फीट लंबाई के साथ में आती है, और 6 चक्के में ये व्हीकल है जैसा कि आप देख सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो इसमें सस्पेंशन सिस्टम जो यूज़ किया गया, एंटी रोल बार सस्पेंशन सिस्टम यूज़ किया गया, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ, इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है रोलर इसका, और यहाँ पे आपको सॉकर मिल जाते हैं, और लिप स्प्रिंग भी मिलता है मजबूती के लिए, जो कि काफ़ी सही है। और चेसिस की मोटाई की बात करें तो कुछ ऐसा मिलता है आपको, और यहाँ पे आपको स्टेपनी टायर भी देखने को मिल जाता है, और इसको आप अपने मतलब बॉडी वगैरह बनाइएगा तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए कहाँ पे रखना है इसको। और आइए फ्रेंड इसका पीछे का व्यू दिखाते हैं, पीछे का व्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग है देख सकते हैं। और फ्रेंड देख सकते हैं इसके पीछे का भी कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे देख सकते हैं LED में सारे लाइट्स दिए गए हैं, ये आपका बैक लाइट के लिए हो गया, ये आपका ब्रेक लाइट, ये आपका इंडिकेटर, और 6 मिलते हैं तो तीन आप इस साइड लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी सही है, लो पावर कंजप्शन में अच्छा ब्राइट लाइट देखने को मिल जाता है आपको। और चलिए फ्रेंड इस साइड आपको दिखाती है साइड में क्या कुछ देखने को मिलता है। फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं इस साइड का व्यू सिमिलर उसी साइड के जैसा मिलता है, यहाँ पे आपको काफ़ी खाली स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप डिक्की वगैरह लगाना चाहे तो आराम से लगा सकते हैं, डिक्की वगैरह का स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा आपको सामान वगैरह रखने के लिए। और इस व्हीकल की व्हील बेस की बात करें तो 6200 mm का देखने को मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी सही है, टर्निंग रेडियस आपको सही मिलता है,
गाड़ी लंबी है, थोड़ी चक्के कम देखने को मिल रही है, इसीलिए चेसिस में थोड़ा अलग सा व्यू आ रहा है, लेकिन बनने के बाद का व्यू काफ़ी तगड़ा होने वाला है। अगर मैं शॉर्ट्स बना करके आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा दूंगा जब ये व्हीकल बन के आएगी तो। और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो बैटरी मिल जाते हैं 12-12 वोल्ट की, ये व्हीकल 24 वोल्ट पे वर्क करती है और 180 एम्पियर का आपको पावर मिल जाता है, जो कि एसी कंप्रेसर आपका ब्लोवर चलाने के लिए काफ़ी होता है। और यहाँ पे उसका कुछ ऐसा आपको मिल जाता है बॉक्स, इसको बॉक्स में भी आप बनवा सकते हैं। और यहाँ की बात करें तो इस साइड में आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कुछ एक्चुएटर्स वगैरह लगे हुए हैं। और ब्रेक्स इसमें आपको न्यूमेटिक ब्रेक मिलता है और सारे व्हील में ABS सिस्टम आता है, जो कि सेफ्टी के तौर पे काफ़ी सही होता है। और फ्रेंड इस व्हीकल की अगर वारंटी की बात करें तो वारंटी आपको 4 साल और 4 लाख किलोमीटर की देखने को मिल जाती है, जो कि आप टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं तो आपको वारंटी आराम से मिल जाता है। और फ्रेंड चलिए इसका ऊपर का व्यू दिखाते हैं, ऊपर में क्या कुछ देखने को मिलता है। और फ्रेंड देख सकते हैं बैठने के बाद का व्यू काफ़ी कंफर्टेबल सा आपको बैठने का सीट मिल जाता है, सीट बड़ा मिलता है, वो नॉर्मल चेसिस वाला सीट नहीं मिलता है, इसमें आपको प्रॉपर बड़ा वाला सीट मिलता है। और यहाँ पे सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप व्हीकल को चलाते हैं तो प्लीज़ सीट बेल्ट को ज़रूर लगाएं। और कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर मिल जाता है, और पहले वाले में थोड़ा अलग आता था, अब वाले में थोड़ा चेंज कर दिया गया है फेज़ टू में। और इस साइड की बात करें तो इस साइड में आपको पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाता है, यहाँ उसका मैकेनिज्म लगा हुआ है, और ये जहाँ पे वहीं पे इसको फिट करवाएं, जिससे कि कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, पाइप वगैरह बैंड ना हो, इस चीज़ का ध्यान दें बॉडी शॉप वाले भी जितने भी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं मे भी। और आइए आपको ऊपर में आके दिखाते हैं ऊपर में क्या कुछ देखने को मिलता है। और फ्रेंड देख सकते हैं इसका स्टेयरिंग व्हील कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, मिडिल में चमकता हुआ टाटा का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पियानो फिनिश में डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। इस साइड की बात करें तो इस साइड में आपको वाइपर के लिए कंट्रोल मिलता है, और यहीं पे आपका क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हेडलाइट के लिए बटन मिल जाता है और इंडिकेटर के लिए बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको एक हॉर्न का बटन देखने को मिलता है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो मैं ऑन करके आपको दिखा दूँ, जैसा कि देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा दिखता है, पूरा अल्ट्रा डिज़ाइन वाला क्लस्टर मिलता है, लेकिन ये अल्ट्रा मॉडल नहीं है, ये आपका कमिंस मॉडल है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिडिल में आपको छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और 4 एनालॉग मीटर मिल जाता है, एक आपका यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे आपका RPM, इस साइड में स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल का गेज देखने को मिलता है, यहाँ एयर प्रेशर गेज मिल जाएगा, यहाँ पे डेफ का गेज मिल जाता है, यहाँ ओडोमीटर रीडिंग, यहाँ ट्रिप, यहाँ पे माइलेज दिखा दी गई, लाइट मोड हैवी मोड जिसमें चल रहा है। और लाइट मोड हैवी मोड की बात करें तो फ्रेंड इसमें बटन दिया गया है, बट इसमें ऑटोमेटिक है ये चीज़ आप ध्यान दें, ये ऑटोमेटिक काम करती है, जिस समय गाड़ी को जो मूड में चलना हो खुद ही कर लेगी उस मूड में सेटअप ने आपको। और यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेज मिल जाता है, यहाँ पे टाइम का मिल जाता है, 4 बटन मिल जाते हैं आपको इसको ऑपरेट करने के लिए, और मिडिल में आपको चमकता हुआ टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लच ऑयल का बॉक्स मिल जाता है, और TVS इसमें लिखा हुआ है, मे बी TVS का सिलेंडर भी यूज़ किया गया होगा, तो इसमें आप क्लच ऑयल टाइम टू टाइम फिल करें, जिससे कि आपका क्लच वगैरह में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। और फ्रेंड गियर नॉब देख सकते हैं, रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस एक रिवर्स, मतलब 7 गियर के साथ में आती है। इस व्हीकल में जो गियर बॉक्स यूज़ किया गया फ्रेंड वो 750 गियर बॉक्स यूज, और ये काफ़ी पुरानी गियर बॉक्स है, और ये ट्राई एंड टेस्टेड है, काफ़ी समय से चल रही है, और कोई तरह का वैसा कंप्लेन आज तक देखने को नहीं मिला है। ये आसानी से कहीं भी रिपेयर हो जाती है, कोई भी टेक्नीशियन इसको देख करके बता सकता है क्या प्रॉब्लम है गियर में, कोई प्रॉब्लम आता है कभी तो, क्योंकि काफ़ी सही चीज़ है, आपकी व्हीकल कहीं भी है और आराम से आप उसको रिपेयर करा पा रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है, जो कि काफ़ी सही है। 750 यूज़ किया गया है, 750 भी काफ़ी है, गियर बॉक्स मतलब उतनी लोड तो रहती नहीं है बस वाली चीज़ में, लोड के हिसाब से गियर बॉक्स डाली कंपनी, जो कि काफ़ी सही है। और फ्रेंड देख सकते हैं बोनट कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है आपको, यहाँ पे बोतल होल्डर वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, और इस साइड में भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है, आप यहाँ पे मंदिर वगैरह लोग बनाते हैं, जो कि काफ़ी सही है, यहाँ से आप यहाँ पे आपको बेस काफ़ी सही मिलता है, काफ़ी हैवी बेस देखने को मिल जाता है, अगर भारी चीज़ भी आप रखते हैं तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बैंड वगैरह होने का चांसेस नहीं रहेंगे। और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे एक डिवाइस मिलता है, जो कि मैंने बताया था आपको कि एंटी थेफ्ट वाला, वो सारा कुछ यहीं से कंट्रोल होता है, टेलीमेटिक इसका यहीं पे लगा हुआ है, और उस साइड आपको दिखाते हैं। और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है, आपको लग रहा होगा ये क्या का बॉक्स है, एक्चुअली में इसमें आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हुआ है, VCU हो गया, GDC हो गया, मतलब सारा कुछ आपको एक ही बॉक्स में मिल जाता है, जैसे कि आप घर में लगाते होंगे पैनल वगैरह, उस टाइप का आपको दिया गया है, सारा कुछ यहीं पे मिलता है, फ्यूज बॉक्स वगैरह सब कुछ यहीं पे मिल जाता है आपको, इसको खोलना आपको कोई भी तरह प्रॉब्लम है आराम से यहीं पे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सही है, सब चीज़ एक जगह रहती है तो चेक करने में व्हीकल को आसानी होती है। और फ्रेंड जैसा कि आपने कैबिन का व्यू देखा, कैबिन में क्या कुछ देखने को मिलता है, अगर आपको सही लगा तो कमेंट कीजिएगा, गलत लगा या कुछ तरह का कमी लगी इसमें तो वो भी आप बताइए कि ये चीज़ होना चाहिए था, क्योंकि कंपनियाँ भी हमारे वीडियो को देखती है तो इस चीज़ का ध्यान दें। और फ्रेंड इस व्हीकल की अगर चौड़ाई की बात करें पूरी,
तो 8 फीट की देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड इस व्हीकल में इंजन की बात करें तो इंजन आपको काफी दमदार इंजन देखने को मिलता है 5.6 लीटर का, जो कि कमिंस की तरफ से आता है 6 सिलेंडर के साथ में। और इसके पावर की बात करें तो 220 एचपी की देखने को मिल जाती है 2300 के आरपीएम पे, और मैक्सिमम टॉर्क आपको 850 न्यूटन मीटर का मिलता है 1000 से 1600 के आरपीएम पे। इंजन आपको काफी दमदार मिलता है, काफी सही देखने को मिल जाता है। और इस व्हीकल की प्राइस की बात करें तो आपको 30 लाख से शुरू होती है एक शोरूम दिल्ली, जो कि साइड टू साइड वेरी करती है। आप अपने नज़दीकी डीलरशिप में जाकर पता कर सकते हैं क्या प्राइस अभी चल रहा है। तो फ्रेंड इसी टॉपिक के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी तरह का क्वेरी होगा तो फ्रेंड कमेंट जरूर कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो जल्द मिलता है नई वीडियो में, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों भाइयों जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना चाहते हैं या फिर उनका बिजनेस है, मैं सारे व्हीकल्स का जैसे बस का और आपका हाईवा का कोई भी तरह का मतलब कमर्शियल गाड़ी उसका मैं वीडियो डालता हूँ। तो जल्दी मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।